come back early or coming to the class after 2 years. Hi students, results of July 2020 one attempt for CA final had come out. Apart from all our anchors that were there, we had one very special student. His name is Shali Khan. Now, in future, he is going to be an inspiration to lakhs of the students who think that CA is tough. He was one person, I think, who has proved it completely wrong. If you can think of it, if you can work towards it, you can definitely make it. This is his story from beginning till today. I hope that you all will like it. Anjali, you come back to your class. Acha, bait ja. तूने इधर काफी टाइम स्पेंड किया अभी इनफैक्ट अभी भी द लॉकडाउन इज गोइंग ऑन लेकिन क्लास मेरे ख्याल से बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपना था नहीं क्लास मिस तो करता ही है बंदा चाहे उस दिन अपने को बोर लगे वो आने के लिए लेकिन क्लास तो बंदा मिस करता ही है प्रोफेसर के लिए भी एक हमेशा वो वाला चीज रहता है कि मेरे को सुबह उठ के क्लास आना है बच्चे लोगों से मिलना है और बच्चे लोगों को भी वो वाला चीज तो होता ही है और मेरे को याद है तुम्हारे जो भी लेट आता था वो बाहर ही खड़ा रहता था बंदा श्रीधर सर ने तो आधा घंटा का कह रहता था श्रीधर सर तो टाइम लेट हो सकता है लेकिन श्रीधर सर कभी नहीं होता लेट दो मिनट भी लेट इनफैक्ट वो गिनाएंगे हमेशा कि लाइक यू नो कि टाइम की वैल्यू क्या है टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये वो उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है अली तो इतने साल के बाद यू आर कमिंग बैक टू योर क्लास जहाँ पे मेरे ख्याल से तूने अराउंड 4 to 5 years वो स्पेंड किए यहाँ पे आपके प्रोफेसर जो हैं वो खड़े रहते थे ओके तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके थोड़ा सा जो यादें वो ताज़ा हुई उसके बारे में बताओ कुछ सुबह में जब भी आ रहा था तो मुझे वही याद आ रहा था कि सुबह हम लोग कैसे आते थे क्लास तो वही याद आ रहा था मुझे कि बहुत दो साल हो गए क्लास सुबह रोज उठ के आना फिर सेम रूटीन पढ़ाई 10:30 तक होती थी फिर ऑफिस जाते थे अपन सारी वही नई हो गई वही यादें आज सुबह में जब ही निकल के आया घर से हाँ वरना अभी इतना जल्दी तो नहीं उठते अपन हाँ अभी उतना जल्दी तो नहीं उठते मोस्टली 7 के बाद ही कोई भी उठता अभी जब भी हम लोग का क्लासेस चल रहा था और मेरा साइकिल से आता रहता तो मैं 5:15 तक उठ जाता था फिर ये करके मुझे आधा एक घंटा से ज्यादा लगता था तो उतना सुबह फिर उठना फिर शाम को हाफ एन आवर यूज्ड टू ड्राइव साइकिल टू रीच हियर 45 टू 50 मिनट्स लगता था ओके अभी बाइक जब इसे लिया तो थोड़ा कम टाइम लगता है 20 मिनट्स घाट पर के लिए 20 मिनट्स लगता है तो उसके पहले तो साइकिल से आपका क्लास डीटी और ये अपना श्रीधर सर का सर ये सब क्लास मेरा वो साइकिल से ही ये हुआ फिर सितंबर जब भी वीरा सर का क्लासेज स्टार्ट हुआ था तब से मैंने स्टार्ट किया लाला एक्टिवा ओके उसके पहले सब साइकिल से आते थे अच्छी बात है और सीए इंटर की कुछ बताओ सीए इंटर मेरा ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री का था तो मैंने मतलब अपने गांव से यहां पे आया फिर रजिस्ट्रेशन किया बीकेसी मैं गया था फर्स्ट मैं कोलाबा चला गया था फिर पता चला कि वहाँ से सब शिफ्ट हो गया कोलाबा से बीकेसी था तो बीकेसी आके फिर मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह किया फिर हम लोग का ये चला था ओटी आईटीटी वो सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन किए तो हम लोग का वो पुराना वाला क्लास था वहाँ पे वो जाना फिर वो मतलब हम लोग का दिन भर का ही शेड्यूल था कि बाद में तो पूरा दिन भर बैठते थे हम लोग क्लासेज में मार्च अप्रैल तक वो सारी चीजें वो बहुत अलग ही ये था एक उस वक्त का लेकिन वो चीजें मेरे ख्याल से बहुत याद रहती हैं कि वो वाला टाइम भी बहुत अच्छा था हमारा मतलब उसमें सुबह पढ़ाई करना फिर आर्टिकल शिप जाना फिर शाम को कोई क्लास ले जाए फिर वापस आना वो मतलब पूरा एक रूटीन था और उसने बहुत कुछ सिखाया लाइफ में कि मतलब कैसे अपन पूरा डिसिप्लिन हो सकते हैं और कैसे अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उस वक्त तो मतलब किसी और चीज को करने का भी ये वक्त नहीं था कि सुबह आया क्लास किया फिर आर्टिकल शीट फिर तब कोई वेब सीरीज नहीं होती थी ना वेब सीरीज अभी तो वेब सीरीज है कि हम लोग जाके घर पे देख सकते हैं कॉस्टिंग का हम लोग का बीच बीच में सैटरडे संडे
चार बजे से रहता था सीएमपी रोज, तो हम लोग को जो अनुज सर बहुत अच्छे से कराते थे, एंड एक बार मैं लेट हुआ था, बाकी सीएमपी का एक भी क्लासेज मेरा मिस नहीं हुआ। एक बार मैं, मेरा जीएमसी था तो उसका एग्जाम करके फिर मैं एक घंटा ले रहा था, उसके बाद एक भी क्लासेज मेरा मिस नहीं हुआ। और कॉन्सेप्ट वाइज कॉस्टिंग के लिए तो मैं तो सबको प्रेफर करूंगा कि अनुज सर का क्लासेज जरूर लेने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है अपना कॉस्टिंग का, उसमें मेन, क्योंकि अभी थियोरिटिकल बहुत सारा हो चुका है तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए जब तक आप सोचते नहीं है कि कैसे कोई भी चीज़ें वर्क करती है ना, तब तक हम लोग पेपर पे लिख भी नहीं पाएंगे कितना भी याद करें या फिर कुछ भी। तो वो एक ज़्यादा प्लस पॉइंट था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिस्कस करते थे कि जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो उसका रीज़न में हम लोग जाते थे कि ये होता क्यों है, कैसे होता है, फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जैसे वारेंसेस वगैरह हमने निकाले। तो वो बहुत अच्छी ये है कि वो बाद में हेल्प करते हैं हम लोग को, जब एग्जाम में हम लोग एनालिसिस लिखने बैठते हैं कंप्यूटेशन करके, तो वो बहुत जरूरी है। कुछ तो यादें बताओ वो यहाँ की। हम लोग का डीटी से क्लास स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम सर को देखने को मिला, कालिश सर को, तो उन्होंने बहुत ये किया हम लोग को, डीटी ने जितने कॉन्सेप्ट है ना इनका इतना अच्छा से ये किया हुआ था कि लास्ट में हम लोग को बहुत काम आ गए थे। मतलब जब भी हम लोग लेके बैठते थे समरी पढ़ने के लिए, समरी जो था सर का, तो वो बहुत हेल्प होता था कि एक बार आपने ये कर लिया सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से, ये कर लिया सर के साथ पढ़ लिए तो हाँ, तो फिर वो बहुत ईजी रहता था, फटाफट फटाफट समरी के साथ हो जाता था। उनका पूरा बुक पढ़ना एक बार में बहुत मुश्किल था, तो एक बार ही पढ़ा था मैंने पूरा, बाकी उसके बाद फिर समरी समरी ही पढ़ा था। और डीटी में आपको कितना मिला? डीटी में 59 मिला, इट्स गुड। और श्रीधर सर, हमारे श्रीधर सर, श्रीधर सर इंडिया मोस्ट रिनोन ऑथर, सबसे डिसिप्लिन और सबसे टाइम वाले आदमी, एक मिनट भी उनका लेट नहीं होता था, मतलब एक मिनट भी आप लेट हो तो समझो 7:30 तक बाहर आपको वेट करना पड़ेगा, आधे घंटे का ही स्लॉट रहता था उनका, तो उसके पहले किसी को अंदर लेते ही नहीं थे। और इसके आगे का जो भी बेंचेस था वो रिजर्व था, मतलब लेट आने वालों के लिए, अच्छा किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सबका टाइम वैल्यू है बहुत, मतलब तो सारे जो लेट बेंचर्स जो लेट आते थे वो जहाँ पर आप बैठे हो तो वहां पर ही बैठते थे, बेंचर्स से ही बैठते थे, क्योंकि उनको पीछे जाने ही नहीं देते थे सर, तो जाओगे फिर दूसरों को डिस्टर्ब करोगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी कवरिंग द स्टोरी ऑफ शाली एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल स्टूडेंट। He stays over here, so we are going to be going to his house now to meet his mother and brother, and also Shali himself. मैंने 10, 12 और ग्रेजुएशन सब गांव से ही किया है। और कौन सा गांव है आपका? मेरा बिहार में सिवान एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके ओके। वहाँ पे मुहिद्दीनपुर गांव। तो वहाँ का आप फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है? गांव का पहला ही होगा ना? सिवान में मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी है, 4-5 ही है वहाँ पे ज्यादा लोग। लेकिन तेरे गांव में? गांव में नहीं है। ओके ओके। गांव में नहीं है कोई। वहाँ पे बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो करता क्या है, उन लोगों को पता ही नहीं किस यहाँ भी नहीं पता है उन लोगों को भी पता नहीं है एक्चुअली में, वो मतलब छोटा सा ये है ना, तो ज्यादा वहाँ पे मतलब काम भी नहीं होता, काम भी नहीं है, लोग पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है वहाँ, फिर भी 4-5 ये लोग का ऑफिस है वहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना। हाँ मतलब जो भी पूरा सिवान का ये है ना, तो 4-5 लोग ही है, ज्यादा नहीं। ओके, ओके। तो सारी चीजें मेरी वहाँ से ही हुई ग्रेजुएशन तक, फिर मुझे करना था सीए, तो वहाँ पे तो आप टीवाई बीकॉम के बाद मुंबई आए? हाँ। ओके। क्योंकि वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मतलब क्लासेज वगैरह या फिर कोई भी चीज, तो उसके लिए मैं फिर यहाँ पे मूव किया कि मुझे सीए करना है, फिर मेरा भाई यहाँ पे रहते थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे पटना वगैरह में फैसिलिटीज है बट वहाँ पे अकेले जाके रहना वो सही नहीं था, तो भाई ने बोला कि यहाँ पे ही आ जाओ, यहाँ से सीए करो, तो फिर मैं यहाँ पे स्पेशली सीए के लिए ही मुंबई में आया। मैं
मुझे स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ ऐसा करना था कि मतलब उसमें ये नहीं हो, जैसे रिजर्वेशन हो वो सब थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि मुझे प्रेफरेंस मिल जाता है हर जगह, तो उस हिसाब से। और प्लस इसमें क्या है कि मेरे लिए काम है, मतलब फील्ड वर्क वगैरह ज्यादा नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो मेरे लिए सुटेबल बहुत सकता है। Really, you don't have a father? नहीं, मैं जब भी 4 साल का था तब भी फादर थे। तो आपकी फैमिली के अंदर तो अर्निंग मेंबर कौन था तो आपके अलावा? उस वक्त तो कोई था नहीं, मम्मी ने सब संभाला। सॉरी टू आस्क यू, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वो वाला फील्ड नहीं सिलेक्ट करना चाहिए जिधर वो रिजर्वेशन है? नहीं, मतलब लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी जो है तो उस हिसाब से मुझे ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, ना कि इसके वजह से कि मैं फिजिकली ऐसा हूँ तो रिजर्व मिल जाए, तो रिजर्व और डिजर्व में थोड़ा ये रहना चाहिए। वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपने बोला। इफ आई कैन आस्क, हाउ आर यू हैंडीकैप्ड? ये बचपन के बाद, मतलब कि वन ईयर के बाद पोलियो का एक जिसे गाँव में ले चला था फ्लू टाइप का, तो उसमें ही मैं अफेक्टेड था। उसके पहले ठीक था, मतलब कि मतलब खड़ा होकर चलने लगा। उसके बाद फिर वो फ्लू जो चला था बहुत गांव में वैसे चलता था, तो उसमें ही हुआ मुझे। तो उसके बाद मैं पूरा ही मतलब ये हो गया था, मतलब बेड से उठना वगैरह कुछ भी नहीं, बैठना वगैरह कुछ भी नहीं, थोड़ा इलाज चला तो फिर बैठने लगा ये सब। तो फिर अभी उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो पाया। तो आप जो डेली काम होते हैं, जो ऑफिस जाना ये वो, तो आप वो कैसे करते हो? मेरे पास पहले वो एक साइकिल था, हैंड साइकिल। हाँ जी। तो उससे मैं जाता आता था। उसके बाद फिर मैंने ये एक एक्टिवा निकाला वो एडिशनल व्हील्स के साथ, तो उससे भी आना जाना ऑफिस का या फिर क्लासेस का वैसा उससे होता। तब हमारी क्लास भी आप उसी से आते थे? नहीं, उसमें अभी सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था ये लिया मैंने। उसके पहले जो भी क्लासेज आना जाना था आईपीसीसी फाइनल, तो वो मैं साइकिल से ही आता जाता था, वो हैंड साइकिल जो होता था उससे। तो आपको बाकी बच्चे लोगों के साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं लगा? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं, ना स्कूल में या फिर क्लासेज वगैरह में अभी तक डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं लगा। सबने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा प्यार दिया, कोई कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगा मुझे। तो कैसा लगा आपको खाला, आपका बेटा बहुत बहुत बड़ा आदमी बन गया है अभी? ये कोई एक नॉर्मल एग्जाम नहीं पास किया इसने, ये बहुत बहुत बड़े बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। 20-20 साल देते हैं ये एग्जाम पास नहीं होते, इसने 1 साल में पास कर दिया माशाल्लाह। नहीं, आपकी मेहनत है सबसे ज्यादा और इसकी भी मेहनत है, आप दोनों की मेहनत है। हमारे पास पिछले 3 या 4 सालों से तो आ ही रहा है, जब से तो सीए इंटर स्टार्ट किया था, तो हम लोग तो देखते ही हैं कि कितना मेहनत करता है, क्लास कैसे आता है, उसके बाद ऑफिस जाता है, पढ़ाई करता है, वो चीजों के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आपको बहुत खुशी हुई होगी जब इसने बताया? इसने आपको फोन पर बताया कि घर आकर बताया? फोन पर बताया था अली, फोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताया था पास हो गया? बता दिया था, बताया था, लेकिन भाई की लड़की है उनको बताया था, उसने सबको बताया, उसको सबको बता दिया, सबको बता दिया। मैंने बोला कि मैं आके सबको बताऊंगा। हाँ, एक्चुअली वो थोड़ा सा और एक्साइटमेंट होता, तब तक उसने सबको बता दिया था। तो आपका आइडिया था कि ये बॉम्बे आ जाए? नहीं, इनका ही फैसला था कि बॉम्बे आए थे, पर मतलब बहुत अच्छी बात है आ रही है। तो आप सब लोग इसके आने के बाद बॉम्बे आए? नहीं, हम आप लोग पहले से यहाँ पर थे, तो ये वहाँ पर फिर किसके साथ रहता था? अम्मी वहीं पे रहती थी हमारे। अच्छा। मैं अकेले यहाँ। अच्छा, आप यहाँ पर रहते थे जी। आप इससे कितने बड़े हो? कम से कम 20 साल तो बड़े हूँ। 20 साल बड़े? 18 साल। लग नहीं रहे हो यार वो सबसे बड़े है वैसे, लेकिन एज में लग नहीं रहे वो। मैं सबसे बड़ा, उसके बाद 4 बहन। अच्छा अच्छा, हाँ बता। ओके ओके, आप सबसे बड़े, फिर उसके बाद 4 बहन, फिर ये।
लेकिन अली आई टेल यू कि कितने लोग के पास सब कुछ होते होते भी दे ऑल कांट क्लियर. यू हैव डन अ गुड जॉब, फैंटास्टिक जॉब इन ट्राइंग टू वर्क हार्ड. लाइक यू नो इट इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी. इन फैक्ट अभी भी आई थिंक जिस दिन रिजल्ट आता है कितने लोग यही पूछते रहते हैं कि आगे क्या करूं, मैं पास नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ. सो रादर देन लाइक यू नो ट्राइंग टू क्राई अपॉन कि अपने पास क्या नहीं है, आई थिंक वी शुड मेक यूज ऑफ जो अपने पास बेस्ट है. तो फ्री टाइम में क्या करता है अली? फ्री टाइम में अभी रिजल्ट के बाद से तो थोड़ा कुछ वेब सीरीज वगैरह देख रहा हूँ. तो रात को एक एक दो दो एपिसोड देख रहा था. फेस टू फेस में बहुत अच्छा इंटरेक्शन ज्यादा होता है ना, हम लोग डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्योंकि सामने सर बोल रहे हैं तो सुनना ही पड़ेगा. और हम लोग तो सामने ही रहते थे सर, डीटीवी से सर आप, तो डायरेक्टली बोलते थे अरे बेटा क्या कर रहे हैं. एक बार मुझे याद है कि मैं बिस्किट खोल के खाने की कोशिश कर रहा था तो अरे सर बोल रहे अरे तो पूरा फाड़ ले खा ले फिर पढ़ाते हैं अपन. तो उसमें बहुत सारे मस्ती भी करते थे हम लोग. तो वो पढ़ने का थोड़ा अलग ही ये रहता है. और वर्चुअल में क्या है कि अपन खुद बैठना है ये करना है तो सामने से कोई बोलने वाला फिर इंटरेक्शन कम हो जाता है. फिर मैंने जब भी क्लास स्टार्ट किया नवम्बर 18 मेरा IPCC आर्टिकल वगैरह सबका काम हो गया था तो फिर मैं DD से स्टार्ट करने वाला था. तो आयुष को ये किया मैंने मैसेज किया कि सर मैं इतना ये नहीं कर पाऊंगा तो कुछ आप मुझे डिस्काउंट वगैरह दे दो. तो सर ने फटाक से मेरा नंबर लिया, कॉल किया, कह रहे टेंशन नहीं ले पैसे की बातें नहीं है. फिर आया मैं और सारे सब्जेक्ट्स मुझे फ्री में प्रोवाइड किया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का. आरिफ सर, अनंत सर, पूरे ये नेक्स्ट का. He's an inspiration for all of us and he's going to be there with us for a very long time. I hope that you enjoyed his journey. Thank you guys. Bye.